अगर आप सभी पेटीएम का यूजर हैं तो ये पेटीएम के द्वारा बहुत अच्छा अपडेट दिया जा रहा है। इस अपडेट के अनुसार अभी अपने पेटीएम वॉलेट को आप सब जो है फुल केवाईसी में कन्वर्ट कर सकते हो। फुल केवाईसी कन्वर्ट आपको इंस्टेंटली नहीं होने वाला, इसके लिए कुछ आपको टाइमिंग भी देना पड़ेगा। टाइमिंग ये है कि आपको 15 से 17 दिन का टाइम रहेगा, फिर जाकर आपका पेटीएम वॉलेट जो है फुल केवाईसी में कन्वर्ट होने वाला है। फुल केवाईसी में कन्वर्ट होने के लिए सबसे पहले आप करना क्या पड़ेगा, आपका पेटीएम वॉलेट जो है पहले से मिनी केवाईसी होना चाहिए। अगर आपको पेटीएम वॉलेट मिनी केवाईसी है पहले से, तभी आपको करना क्या पड़ेगा, आपको अपग्रेड करने के ऑप्शन आया होगा पेटीएम वॉलेट में, तो आपको अपग्रेड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे अपग्रेड वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद सबसे पहले आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन, एडिशनल वेरिफिकेशन, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, पैन कार्ड वेरिफिकेशन, फिर आपको वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा। हालांकि वीडियो केवाईसी पहले से भी है, यानी इससे पहले जब हम लोग पेटीएम वॉलेट को फुल केवाईसी करते थे तो हम लोग को वीडियो केवाईसी करने के बाद वहां पर जो काम खत्म होता था, हम लोग को वॉलेट जो है अपग्रेड हो जाता था। लेकिन अभी आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे आपको वीडियो केवाईसी कंप्लीट होता है तभी आपको एक काम और करना पड़ेगा, वो होता है क्या, अभी आपको पेटीएम के द्वारा ही वहां से आपको एड्रेस वेरिफिकेशन किया जाएगा। एड्रेस वेरिफिकेशन में ये होता है कि आपके एड्रेस पे एक जो है डॉक्यूमेंट सेंड किया जाएगा, जिस डॉक्यूमेंट के नीचे में एक क्यूआर कोड अवेलेबल रहेगा, उस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल के थ्रू आपको स्कैन करना पड़ता है। जैसे आप स्कैन करोगे, स्कैन करने के बाद आपको वर्किंग 7 डेज का टाइमिंग और देना पड़ेगा। हालांकि ये डॉक्यूमेंट आने में आपको टोटल जो है 7 से 10 दिन का टाइम लग सकता है, तो आपको 10 दिन तक वेट करना पड़ेगा। और फिर आपको जैसे केवाईसी कंप्लीट होता है, यानी जो है उस डॉक्यूमेंट के जो क्यूआर कोड रहेगा नीचे में, उस क्यूआर कोड को जैसे आप स्कैन करोगे तो स्कैन करने के बाद आपको 7 दिन का टाइम देना पड़ेगा। हालांकि वहां पर 7 दिन का टाइम बताता है, लेकिन आपको इंस्टेंटली केवाईसी आई थिंक हो जाता है, लेकिन आपको वहां पर जो है 7 दिन का टाइमिंग लिखा गया है पेटीएम के द्वारा कि आपको 7 दिन का टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अपग्रेड करने का ऑप्शन जो है, अगर आप देखिए आज के डेट में अगर आप चाहोगे कि मोबाइल क्रिएट करते हैं और फिर हम अपग्रेड कर लेंगे, तो वो अभी आपका नहीं होने वाला है, क्योंकि आरबीआई के गाइडलाइंस का अनुसार भी बताया ये गया है कि अभी आपको सिर्फ और सिर्फ पुराना यूजर जो है उनका ही सिर्फ जो केवाईसी कंप्लीट होने वाला है, यानी उनका ही अकाउंट सिर्फ अपग्रेड होने वाला है। नया यूजर जो भी है, अभी आपको आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार नया यूजर जो है क्रिएट भी अकाउंट नहीं कर सकता है। अगर करना है, जो पहले आरबीआई ने रोक लगाया था पेटीएम के ऊपर, जो आप किसी तरह अभी आप नया यूजर को एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं आरबीआई का, लेकिन अभी जो फिलहाल जो पेटीएम के द्वारा ये अपडेट किया गया है कि अगर आपका जो ओल्ड में मिनी केवाईसी करके रखे थे अपने वॉलेट को, वो सिर्फ अपने पेटीएम वॉलेट को अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड करने के बाद अपना पेटीएम वॉलेट को यूज कर सकता है, क्योंकि अगर आपको मिनी केवाईसी रहेगा तो लिमिट सिर्फ 10,000 का रहता है, लेकिन अगर आपको फुल केवाईसी जैसे होता है तो उसका जो लिमिट टोटल 1 लाख का हो जाता है। इसके हम लोग फुल केवाईसी उसको कर लेते हैं और पेटीएम पेमेंट बैंक का भी फैसिलिटी हम सबको मिल जाता है। हालांकि पेटीएम पेमेंट बैंक में अभी रुपये का डेबिट कार्ड भी मिलने लगा है, तो उसको भी हम लोग फैसिलिटी में यूज कर लेते हैं। अगर आप सब अपना पेटीएम वॉलेट को फुल केवाईसी करना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सकेगा, अगर पुराना यूजर हो तो अपग्रेड वाला ऑप्शन अपग्रेड कीजिएगा और उसके अपने पेटीएम वॉलेट को अच्छे तरीके से फिर यूज आप कर सकते हो।